हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑटो ग्रेन इंडिया। मेरा नाम है सचिन और भाई आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल व्हीकल के बारे में, टाटा इंट्रा V30। हाई साइड डेक के बारे में भाई, ये जो V30 है ना, ये आपको फ्लैट बेड में मिलता है, आपको जो केबिन चेचिस वाले मॉडल मिलता है, हाई साइड डेक में मिलता है। तो बहुत सारे वेरिएंट्स यहाँ पे टाटा ने इसके निकाल दिए हैं। एसी मिलता है, नॉन एसी में मिलता है। तो आज हम एक इसका नया वेरिएंट है वो है ये हाई साइड डेक वाला, उसके बारे में बात करेंगे और उसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि भाई ये मेरा वन ऑफ द कह सकते हैं फेवरेट व्हीकल है। V30 चलने में काफ़ी अच्छा है, इसकी पावर भी काफ़ी अच्छी है और ओवरऑल जो ड्राइविंग डायनामिक्स है ना वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर आपको हमारे तरह ट्रक पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और भाई बेल आइकन को जरूर दबा देना क्योंकि तभी अगर हम है ना कोई भी नई वीडियो डालेंगे ना उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले इसके फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक बार वेरिएंट्स के बारे में बता देता हूँ। इसके अंदर आप AC नॉन AC दोनों ही ले सकते हैं और इसके अंदर आप अब HSD मतलब हाई साइड डेक जो वेरिएंट है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं वो भी ले सकते हैं। इसके अंदर आप फ्लैट बेड भी ले सकते हैं, प्लस इसके अंदर आप केबिन चेचिस मतलब CX मॉडल भी ले सकते हैं और इसके अंदर आप जो हाफ डाला आता है ना वो भी ले सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं टाटा ने, यहाँ पे आपको कोई कमी नहीं छोड़ी है, भरपूर भाई वेरिएंटी वेरिएंट दे डाले हैं। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से उस वेरिएंट को ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसके फ्रंट से स्टार्ट करते हैं भाई। फ्रंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हाउसिंग मिलते हैं और यहाँ पे आप जो फॉग लैंप्स है ना वो लगा सकते हैं, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं और यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट मिलता है जो इसका बड़ा भाई आता है ना V50, उसमें यहाँ पे ग्लॉस मिलता है लेकिन इसके अंदर आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिलता है। बाकी बम्पर वही आपको ब्लैक कलर का और ये लगभग गन मेटल ग्रे कह सकते हैं आप, उस कलर का यहाँ पे आपको बम्पर मिलता है ड्यून टोल में, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। जो हेडलैम्प्स है ना उनका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे थ्रो भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे साइटर्न इंडिकेटर मिलते हैं आपको और उसके बाद यहाँ पे इंट्रा की आपको बैजिंग मिलती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना भाई जो क्रोम ट्रीटमेंट है ना उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। जो ओवरऑल जो लुक निकल के आता है ना भाई बहुत ही अच्छा निकल के आता है इस स्ट्रिप से और ये टाटा का लोगो है ना बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है। यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक देख सकते हैं आप और यहाँ पे V30 की बैजिंग देख सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो लगभग आपको इसके अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है ना वो अराउंड 175 mm के समथिंग ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, तो वो इनफ है, कच्चे पक्के रास्तों में इजीली चल के निकल के आ सकती है व्हीकल को, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फ्रंट के अंदर आपको जो सस्पेंशन मिलता है ना वो सेमी इलेप्टिकल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है, तो भाई स्टेबिलिटी व्हीकल की काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। केबिन के अंदर इतने आपको जो गड्ढे वड्ढे हैं ना वो फील नहीं होंगे, आप उछलेंगे नहीं केबिन के अंदर, प्लांटेड रहेगी गाड़ी, तो आप इजीली माल भर के इसके अंदर ले जा सकते हैं और अच्छा खासा माल भर के ले जा सकते हैं, कोई भी कमी नहीं आने वाली है व्हीकल के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाइपर्स है ना उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये पूरी विंडशील्ड को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे है ना क्लियर कर देते हैं, तो ये आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिलती है। और जो इसमें से जो वॉशर निकलता है ना उसकी भी क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती है आपको। अब साइड में आ जाते हैं, साइड में देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो साइड में जो है ना मिरर है ना, जो साइड व्यू मिरर है उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है, आप इसको बहुत ही ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे का जो ऑनगोइंग ट्रैफिक है, जो आने वाला ट्रैफिक है ना वो भी बहुत अच्छे से आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टायर मिलते हैं ना भाई वो भी काफ़ी शानदार मिलते हैं। इसके अंदर आपको जो टायर मिलते हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और जो टायर का साइज़ है ना वो 185R14 के टायर मिलते हैं, 14 इंची के इसके अंदर आपको टायर मिलते हैं। इंट्रा V50 लेते हैं तो आपको 15 इंची के मिलते हैं लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे हैं और इनकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। C8 के है ना माइलेज सीरीज़ के इसके अंदर आपको टाटा टायर प्रोवाइड करती है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो साइड टर्न इंडिकेटर मिलता है उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे ओवरऑल जो व्हील आर्चेस वगैरह ना वो भी काफ़ी सॉलिड मिलती है इसके अंदर आपको। और ये देखिए भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ लगती है मेरे को स्पेशली, ये बहुत ही अच्छे से खुल जाता है। और अब इसके केबिन के अंदर चलते हैं कि केबिन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो भाई यहाँ पे डोर में ना आपको यहाँ पे इजीली एक लीटर की आप बोतल रख सकते हैं, यहाँ से खोलने और बंद करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह मिलती है।
अंदर आ जाते हैं तो भाई अंदर यहाँ पे कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं आपको, लाइट वगैरह के, इको वगैरह के बटन्स के, बाकी कंट्रोल्स मिलते हैं यहाँ पे आपको। अगर आप एसी मॉडल लेते हैं या नॉन एसी एसी मॉडल लेते हैं तो आपको यहाँ पे एसी वेंट मिलता है, टोटल चार एसी वेंट मिलते हैं, 1, 2, 3, 4 टोटल चार एसी वेंट्स मिलते हैं। और यहाँ पे ना आपको व्हाइट कलर का ट्रीटमेंट मिलेगा जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है भाई, जैसे बॉडी कलर है उसी का ट्रीटमेंट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे इसके लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं, पल्ली दूसरी साइड है ना आपको है ना वाइपर के कंट्रोल मिलेंगे। और यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो भाई कितनी स्पीड है गाड़ी की, कितना फ्यूल है वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, जो अपने ड्राइवर भाई हैं वो सामान रख सकते हैं। और यहाँ पे आप टाटा का बिल्ट इन म्यूजिक सिस्टम ले सकते हैं भाई, और नीचे भी स्पेस मिलता है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो गेयर नॉब लीवर है ना भाई डैशबोर्ड पे माउंटेड है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो आप इजीली है ना यहाँ से उस साइड जा सकते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी इधर ऐसी जगह पास कर देते हैं कि मान लीजिए इस गेट से आप नहीं निकल पाते तो ईजिली उस साइड जाके निकल सकते हैं, यहाँ पर भी आपको स्पेस मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेग रूम वगैरह बहुत ही काफ़ी अच्छा मिलता है आपको, एक बंदा यहाँ पे इजीली बैठ सकता है, और यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस मिलता है तो यहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं अपना भाई। और हेडरूम वगैरह ओवरऑल क्वालिटी है ना काफ़ी अच्छी है। वैसे इसके हम डिटेल वीडियो लेके आएंगे भाई, इसकी राइड क्वालिटी, कम्फर्ट वगैरह, और केबिन में कैसी कैसी चीज़ें मिलती हैं आपको, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, फीचर्स क्या मिलते हैं, वो सबकी वीडियो लेके आएंगे, तो वो वीडियो जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। आप पीछे चलते हैं, पीछे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको। तो भाई ये है इसका HSD वाला मॉडल, ठीक है। तो जो लंबाई मिलती है ना डाले की वो तो लगभग 8.8 फीट के समथिंग मिलती है, और जो चौड़ाई मिलती है ना भाई वो लगभग 5.3 फीट के समथिंग मिलती है। और जो क्वालिटी है ना HSD की भाई वो बहुत ही शानदार क्वालिटी मिलती है, ऐसे ही मत सोचना भाई टाटा ने कुछ भी बना दिया भाई, बहुत ही तगड़ी क्वालिटी यहाँ पे टाटा प्रोवाइड करती है। और इसके अंदर आपको डीजल टंकी मिलती है ना भाई, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप डीजल टंकी मिलती है, मैं अभी उतर के और दिखा दूंगा आपको, वो 35 लीटर की डीजल की टंकी मिलती है। और जो अपना टाटा इंट्रा V30 है ना उसकी एवरेज काफ़ी अच्छी है, तो टंकी है ना आपको बार बार भरवानी भी नहीं पड़ेगी। पीछे से देख सकते हैं आप, पीछे कुछ इस तरह के मिलते हैं, यहाँ पे आपको टाटा की है ना यहाँ पे बैजिंग मिलेगी, प्लस यहाँ से स्पेयर व्हील निकाल सकते हैं और वापस डाल सकते हैं। पीछे भी आपको जो सस्पेंशन मिलते हैं ना वो सेमी इलेप्टिकल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेगा, तो भाई आराम से है ना माल ले जाना, ये 1300 किलो से पास है, 1300 किलो भर के ले जाना, व्हीकल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहें तो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है व्हीकल में। उसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3 तीन रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, पीछे पीछे घुमाओगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इजीली घूम जाएगा। यहाँ पे आप लाइट्स देख सकते हैं, लाइट्स भी है ना इसके अंदर आपको काफ़ी शानदार मिलती है। और पीछे से है ना जो इसका डिपार्चर एंगल है ना वो भी काफ़ी अच्छा है, तो एक वो भी आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे टाटा ने प्रोवाइड किया है। अब साइड में देखते हैं बैटरी वैटरी कैसी लगी हुई है, बैटरी का प्लेसमेंट कैसा है। आइए भाई, यहाँ पे इसकी बैटरी लगी हुई है और बैटरी की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, प्लेसमेंट वगैरह बहुत सही है, एक साइड यहाँ पे टाटा ने बैटरी लगा के दी है। उसके बाद जो है ना ये देख सकते हैं आप, इसका चेचिस वगैरह, इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और पूरा रस्टिंग वगैरह ना लगे, पेंट वेंट अच्छे से भाई पूरा ढंग से टाटा ने यहाँ पे करके दिया है। 1500 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है इसके अंदर आपको, जो लगभग 70 हॉर्स पावर और 140 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है, जो भाई ये 1300 किलो पास करता है ना उससे भी ज़्यादा भी इजिली ले जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। प्लस राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, घूमने वगैरह में भी कटाई वटाई भी है ना इसकी काफ़ी अच्छी है, गली वलियों में से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, टाटा का प्रोडक्ट है, सर्विस वगैरह भी वाइज भी है ना कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई होगी, इसका जो है ना केबिन वेबिन फीचर वगैरह उनकी एक अलग से वीडियो आ जाएगी, उसको आप बाद में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, फिर आई बटन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। आपको ये बताना कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कोई और व्हीकल की वीडियो देखनी है। वैसे तो सारे व्हीकल हमारे चैनल पर मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपकी कोई डिमांड है किसी भी व्हीकल की तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।